हॉलीडेज चल रही है। इसी हॉलीडेज में हम और विष्णु भैया आप लोगों के लिए एक फन इंटरेक्शन सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पर लर्निंग और फन इस तरह कंबाइंड है कि आप लोगों के लिए वो हायर दबाव वाले जो कैलकुलेशंस होते थे या हायर दबाव वाले पैराग्राफ्स होते थे जो लर्न नहीं होते थे वो काफी इजी होने वाले हैं। अब आप बोलोगे क्या सर अभी तो हमारे एग्जाम्स खत्म और आप फिर कुछ सिखाने आ गए, तो नहीं, ये फन इंटरेक्शन सीरीज का वीडियो ही आप 6 से 7 मिनट का देखो, इसी में आप काफी कुछ सीख जाओगे। इस फन इंटरेक्शन सीरीज के प्राइमरी 3 टेकअवेज है, चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मैथ ई मैजिक, नंबर 2 लर्निंग टेक्निक्स, जहां पर मैं आपको अपनी यूबॉट टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं, और नंबर 3 नंबर क्रंचिंग। यहां विष्णु भैया हमें सिखाएंगे हाउ टू फॉरगेट एक्स, आई एम सॉरी गाइस ये वाला एक्स, ठीक है सर ये मैथमेटिक क्या है, चलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। विष्णु भैया मेरे को कोई भी बात है 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, टेक द 5 डिजिट नंबर 99999, ओके मल्टीप्लाई दिस विद 4852। गाइस आप लोग अपने कैलकुलेटर में यही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। हो भी गया, अब आप बोलोगे सर ये आप पक्का लर्न करके आए थे और विष्णु भैया को पहले से पता था कौन सा नंबर बोलना है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैलकुलेशन मैंने किया कैसे। देखिए जब भी लार्जेस्ट 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर हो ना तो आपको करना क्या, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है ना उससे आप सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ये पहला 4 डिजिट मेरे को मिल गया, और जो बाद के नंबर है वो कैसे आएंगे, जो भी 4 डिजिट या 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है ना उसमें से आपका जो पहले नंबर आया है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 485 पर। गाइस ये याद रखिएगा कि 485 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जो पहले आया वो सब्ट्रैक्ट करना है, और क्योंकि 9 लार्जेस्ट नंबर सिस्टम में लार्जेस्ट डिजिट है तो आप लोगों के लिए सब्ट्रैक्शन भी काफी इजी होने वाला है, राइट। चलिए एक और डेमोंस्ट्रेशन देता हूं, विष्णु भैया किसी भी नंबर का मेरे को आप स्क्वायर निकाल दो, बोलो 2 डिजिट 2 3 डिजिट दो, स्क्वायर ऑफ 198, ओके गाइस आप लोग भी क्या इसी यूज कर लो, ये देखो ये भी मैंने कितनी फास्ट किया। तो ऐसी काफी टेक्निक्स है, तो सिर्फ 2 इलस्ट्रेशंस है, इस टेक्निक का भी मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन दे देता लेकिन वीडियो में छोटा रखना इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया, पर मैं फन इंटरेक्शन सीरीज में इसी तरह की काफी टेक्निक्स आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो आपका कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट कर देगा। और ये इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग या तो क्लास 11 में प्रमोट हुए हो, क्लास 12 में प्रमोट हो, या फिर आप सीए फाउंडेशन देने वाले हो, ये तो ये जो फास्टर कैलकुलेशन है ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है कि आप यू नो क्यों कैलकुलेटर में टाइम वेस्ट करें जब उन लोग टाइम आउट टेस्ट दे रहे हैं, राइट। जहां तक लर्निंग टेक्निक्स की बात है, ये यूबा टेक्निक क्या है सर, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके चाहे 1 पेज का पैराग्राफ हो 2 पेज का हो आप 10 या 15 मिनट में ग्रैब कर लोगे, एंड आई अश्योर यू गाइस यहां पर मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बोलने वाला कि मेडिटेट करो आप बंद करके जोर जोर से सांस लो जिससे कंसंट्रेशन पावर बढ़े फोकस पावर बढ़े और लर्न इजी हो, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बोलने वाला। जहां तक नंबर क्रंचिंग की बात है आई विल लेट विष्णु भैया टेक ओवर फ्रॉम हियर। हेलो फ्रेंड्स, नंबर क्रंचिंग का मतलब है नंबर्स पे कमांड होना, अगर आपका नंबर्स पे कमांड अच्छा होगा तो आपका एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन एंड द स्पीड ऑफ द कैलकुलेशन बोथ विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपका कैलकुलेशन का एक्यूरेसी और स्पीड दोनों अच्छा हो गया तो आपका ऑब्वियसली अपने आप ही पेपर का स्पीड भी अच्छा हो जाएगा एंड एक्यूरेसी भी अच्छा हो जाएगा। यू विल नॉट कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एंड से द पेपर वाज लंबा बिकॉज योर अप्रोच वाज राइट देयर। वी विल टेक एन एग्जांपल, से कॉस्ट of a product is rupees 100 and profit is 25% of sales. Question asks how much is the profit? आप लोग में से बहुत लोग क्या करने वाले हो, आप लोग करोगे profit is equal to 25/100 × 100। जैसे ही आप ये करते हो आपका कैलकुलेशन हो जाता है इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज़ यहां पे दिया हुआ है 25% ऑफ सेल्स एंड द गिवन इंफॉर्मेशन इज कॉस्ट,
as soon as you apply this 25% to cost, obviously your solution is incorrect. जिसको ये बात समझ में आ भी जाएगा वो भी क्या करेंगे, प्रॉफिट या सेल्स के लिए एक्स को याद करेंगे, बोलते होंगे लेट दिस बी एक्स. एज सून एज यू टेक एक्स, योर सॉल्यूशन बिकम्स वेरी लेंथी एंड स्लो. सो विल सी हाउ दीज कैलकुलेशंस कैन बी डन वेरी वेरी फास्ट इन 3-4-5 seconds. टेक अनदर एग्जांपल, सपोज यू हैव टू कैलकुलेट 12% ऑफ 12850. Now, most of you will do 12 by 100 into 12850. As soon as you write this, your solution becomes lengthy and slow. We'll see how these calculations can be done very, very fast. So, I would suggest all of you to come in large numbers and learn these techniques. And guys, you know what? Hamare ye fun interaction series, jo live conduct hone wale hain, are absolutely free. So guys, do share this with your friends and do attend our live sessions in large numbers. There is nothing to lose and a lot to gain. So do attend in large numbers, guys. Thank you.